3500 सहायक उर्दू अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करा चुके मौलिम उर्दू डिग्री धारक 1997 बैच को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में आज डीएम कार्यालय पर धरना दिया गया। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 1997 बैच के मौलिम डिग्री धारकों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वादा खिलाफी कर रही है। प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है। आरोप लगाते हुए कहा गया कि सरकार ने उर्दू शिक्षकों की भर्ती तो की, लेकिन 11 अगस्त 1997 के शासनादेश का हवाला देकर हम मौलिमों को तंग किया जा रहा है। इस बाबत खालिद मोइन ने कहा कि सरकार आने वाले ईद पर हमें नियुक्ति का तोहफा दे। जी, हम लोग अपनी नियुक्ति को लेकर के हम लोग ये धरना दे रहे हैं। 2013-12 में उनकी सरकार आने से पहले समाजवादी ने ये वादा किया था कि जितने भी मौलिम पास टीटी लोग हैं उनको हमारी सरकार बनेगी, हम आते ही समायोजित कर देंगे, सबको नौकरी देंगे। 2013 में इन्होंने वैकेंसी निकाली 4280 की, उसमें भी हम लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन 11-8-97 का एक जीओ है जिसमें कुछ डिग्रियाँ रद्द की गई हैं, 27 डिग्रियाँ, उसमें हमारी जामिया उर्दू की डिग्री मौलिम उर्दू शामिल नहीं है, लेकिन उसका जीओ का हवाला देकर के हमको तब से रोका जा रहा है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि उस रद्द की गई डिग्री में हम नहीं हैं, लेकिन ये किसी तरह से नहीं सुन रहे हैं। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने भी कंसीडर का आर्डर दिया, तमाम आर्डर हुए हमारे फेवर में, लेकिन आज भी ये कोर्ट का आर्डर नहीं मान रहे। फिर 2016 में 26 फरवरी को काउंसलिंग उन्होंने कराई 3500 टीचर्स की, हम लोग कोर्ट से आर्डर लाए, कोर्ट ने कहा कि इनकी काउंसलिंग करके इनकी सीट सुरक्षित रख ली जाए और मामला कोर्ट से जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो अभी हम लोग का मामला ये चल रहा है कोर्ट में। अब कोर्ट का मामला चूंकि काफ़ी लंबा होता है, अब कभी डेट पड़ती है तो पता चलता फाइल का नंबर ही नहीं आ पाया, फिर 2 महीने बाद डेट पड़ गई। हम लोग ज़्यादातर 97 के मौले में हम लोग काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी एज तकरीबन किसी का 5 साल बचा है, किसी का 8 साल बचा है, किसी के 10 साल। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मुलायम सरकार जो है, इनका इलेक्शन भी आने वाला है और इन्होंने ये वादा किया था कि हम आदमी के पास सबका करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि ईद के मौके पर ये हम लोग को नियुक्ति का तोहफा दे।